मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के ब्रज विहार कॉलोनी में एक महिला पर खौलता दूध डाले जाने का मामला सामने आया है। महिला ने बताया कि उसकी सास विकलांग है और जब वो उसकी सेवा करती है तो उसकी जेठानी उस पर गुस्सा करती है। उसकी जेठानी ने महिला से नाराज होकर उसके पूरे शरीर पर गर्म दूध डाल दिया है, जिसकी वजह से तकरीबन 3% झुलस गई है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत नौचंदी थाने पर की है, जहाँ से उसे डॉक्टरी के लिए भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि विवाद पारिवारिक है और जिसकी जाँच पड़ताल कर रही है पुलिस। जाँच पड़ताल के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थाना नौचंदी से एक महिला को लाया गया है और जिसने बताया है कि जो है पारिवारिक कारणों से जो है उसके ऊपर गर्म दूध डाल दिया गया है जी, और मरीज को भर्ती किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित महिला अपनी बातों को बता रही है और कैसे कैसे उसके ऊपर दूध डालकर उसे गर्म दूध डालने का आरोप लगाया उसने और उसके शरीर को झुलसा दिया गया है। इस तरह के मामले हालांकि पारिवारिक कारणों की वजह से कई सारे ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन अपने आप में ये एक अनोखा मामला है जिसमें कोई महिला किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति की सेवा करने के एवज में इस तरह की प्रताड़ना झेल रही है। रेडियो इंडिया के लिए मेरठ से नितिन कुमार की रिपोर्ट।